एताहानां इष्टि अग्निष्टोम जथा प्रकृतिभूतः एवं अहिनानां शत्राणां च अयं प्रकृतिभूतः संवत्सरा अक्तानानां हाँ तसे कहते अग्निष्टोम यही यज्ञमानकर मध्य प्रकृति से कहते अग्निष्टोम जथा प्रकृतिभूत एव अहिनानां शत्राणां अग्निष्टोम होचि प्रकृति जाग अहिन जाग मानकर एवं शत्र जाग मानकर सेथिपाई एठी मध्य अहि अग्निष्टोम ही प्रकृति जाग अटे त तद उपरीतनानां च तेषां गभामयनं प्रकृतिभूतं हाँ से कहते अन्य जाग मानकर गभामयन होचि प्रकृतिभूत गभामयन ठीक या परे परे अछि अत्र द्वादशाः द्वादश दिनानि दीक्षाः द्वादशाः क्रतौ कति दीक्षाः द्वादश दीक्षाः द्वादशाः क्रतुः कति दिनात्मकः द्वादशाः क्रतुः कति दिनात्मकः द्वादशदिनात्मकः तत द्वादशसु दिवसेषु उपषद् अनुष्ठानम् अन्तिम उपषद् दिने आरम्भतः चतुर्विंश दिने उपषद् अनुष्ठानान्तरम् अग्निसंयोम्य पशुजाग अनुष्ठानम् चकोच अन्तिम दिनरु आरम्भ करी हाँ आरंभतः चतुर्विंश दिने माने अंतिम सरीगला परे पूर्णी आरंभ दिन माने प्रथम दिन आरंभ करी जो दिन 24 दिन हो बार दिन में सरीज किंतु जो दिन 24 दिन हो दिन उपषद अनुष्ठान कर उपषद मध्य एक सोम जगार एक प्रक्रिया एक जाग उपषद अनुष्ठित होता है जाग परे उपषद परे जाकि अभवृत हिष्टि हुए तो तस्मिन्नेव दिने महारात्रे बुध्वा सोमाविषवार्थम क्रियाकलाप अनुष्ठानम् श्वभूते बहिष्पवमानादिः तृतीय श्रवण समाप्त्यन्तो व्यापारः त से कहते कौन केमी अनुष्ठित हे से कथा को ये कहते माने जो दिन में महारात्र मैंने जो दिन सोम अभिश्रवण होता है आम महारात्र से रात्रि को कहते तो सोमाभिश्रवार्थम क्रियाकलाप अनुष्ठानम सोम अनुष्ठान का क्रियाकलाप परशुराम कहीं फोन करुच्ची मुत क्लास नौचे से आसा कथा ये त महारात्रि बुध्वा सोम अभिषवार्थम क्रियाकलाप अनुष्ठानम स्वभूते बहिष्पवमानादि तृतीय श्रवण समाप्त्यंतः व्यापारः स्वभूते मने जो दिन असोम अभिषवण हब कहिले महारात्रि कहिले सुत्यादिन सही दिन परे ता बहिष्पवमान प्रभृति बहिष्पवमान कहिले बहिष्पवमान माध्यम दिन पवमान आर्भ पवमान एई भली पवमान स्तोत्र पाठ करा जीव बोली से कहते पुनः यथावत रात्रौ अभिषभ क्रियानुबद्ध कर्म कलाप इत्यादि द्वादश दिन पर्यंत आवर्तनीय क्रियाजात रूपाः द्वादश सुत्याः से कहते द्वादश सुत्या महारात्र तो हम सुत्या दिन कौन से गोटे दिन को महारात्र कहते अतिरात्र भी अनुष्ठित अतिरात्र होचि आर प्रकृति जाग तेणु एठे से द्वादश दिन रे द्वादश सुत्या हब तेणु एक गोटे प्रश्न हो पारे द्वादशाः क्रतौ कति सुत्याः द्वादशाः क्रतौ कति सुत्याः द्वादश सुत्याः एवं षड्त्रिंशत् दिन अनुष्ठेयोऽयं षड्त्रिंशत् तमको द्वादशाः अयम् द्वादशाः क्रतुः कति दिनात्मकः पिलामने सेटा द्वादश दिनात्मक नुहे षड्त्रिंशत् माने प्रथम बार दिन तापर पुणी 24 दिन तेणु षड्त्रिंशत् कहले 36 दिन यज्ञ एटा हला तेणु लेख द्वादशाः तो ठीक द्वादशाः शब्द लेखा होची किंतु एटा 36 दिन यज्ञ तेणु द्वादशाः क्रतुः कति दिनात्मकः तुम्हें लेख षड्त्रिंशत् दिनात्मकः सेटा द्वादश काटिब द्वादशाः क्रतुः षड्त्रिंशत् दिनात्मकः षड्त्रिंशत् दिनात्मकः सर्वान्ते एव अभवृत इष्टिः सबु सरिला परे कहिले माने उपभृत हब तुम्हारा द्वादश दिन परे उपभृत होची सबु कर्म अनुष्ठान परे ता माने षड्त्रिंशत् दिन जो 36 तम दिन जेबे सेबे तो सेठी अभवृत इष्टि हब न एक एकम सुत्या समाप्त गोटे गोटे सुत्या दिन परे परे एठी हाँ
बारटा सुतिया किंतु 36 दिन यज्ञ हम तेणु एटी से कहते गोटे गोटे सुतिया दिन पर अवभृत इष्टर आवश्यकता ना संपूर्ण जाग समाप्ति पर अवभृत इष्टि हम त्र द्वादशानी अह्नाम संस्था विशेष विशेषण विहिता हाँ तो संस्था भितर सब विशेषण देकिना नामकरण कर ते जथा प्रथम दिन मतिरात्र संस्थाकम ये नामकरण सब कर द्वितीय अग्निष्टोम संस्थाकम प्रथम दिन अतिरात्र द्वितीय दिन अग्निष्टोम जब कि अग्निष्टोम सामान्य सोम जगह प्रथम अनुष्ठित होता है अतिरात्र तृतीय दिन में अनुष्ठित होता है कि प्रथम दिन में अतिरात्र हम द्वितीय दिन में अग्निष्टोम हम तर बहिष्पवमानाद्येषु दाद द्वादशेषु स्तोत्रेषु त्रिवृतेव स्तोम कौन स्तोम पाठ कर त्रिवृत स्तोम पाठ कर लेखि न था अन्यत्र हुए तो आउ कौन स्तोम थाईपे तृतीय दिन उक्त संस्थाकम पंचदश स्तोत्रकम चतुर्थम उक्त संस्थाकम सप्तदश स्तोमकम है तेणु त्रिवृत कौटि पाठ कर पंचदश स्तोम तापे सप्तदश पंचम दिन षोडशी संस्थाकम एकविंश स्तोमकम है एकविंश स्तोम तापरे है षष्ठ दिन उक्त संस्थाकम तृणव स्तोमकम तृणव नाम किम तृणव नाम किम तृणव मैंने के सत्तेश तेणु सप्तविंशति ठीक अच्छे सत्तेश सप्तम दिनक उक्त्य संस्थाकम त्रयः त्रिंशत् त्रयः त्रिंशत् स्तोमकम हलो त्रयः त्रिंशत् कहले केते त्रयः त्रिंशत् केते रे पले 33 शोभनम 33 अष्टमम अह उक्त संस्थाकम चतुर्विंश स्तोमकम नवमम अह उक्त संस्थाकम चतुःचत्वारिंशत् स्तोमकम चतुःचत्वारिंशत् कहले केते 44 शोभनम दशमम अह अग्निष्टोम संस्थाकम चतुर्विंश स्तोमकम इतरेश स्तोत्रेषु अग्निष्टोम स्तोत्रे परं त्रयत्रिंश स्तोमकम हला तांकर से जो को दिन रे केते केते स्तोम पाठ करा जीव सेई कथा को एठी से स्पष्ट करचंदे हां एकादश दिनम अग्निष्टोम संस्थाकम अष्टचत्वारिंशत् स्तोमकम अष्टचत्वारिंशत् कहले अठचाश अष्टचत्श द्वादशम अतिरात्र संस्थाकम है द्वादश आरंभ होती अतिरात्र सर अतिरात्र दशम दिन से अतिरात्र संस्थाक क्वचि श्रुत दशम दिन में कौटि कौटि अतिरात्र होवार शुणा कौन कौन सब सामगान कर रथंतर एटा स्तोमगान है हला त्रिवृत पंचदश सप्तदश एकविंश त्रयत्रिंश चतुर्विंश चतुःचत्वारिंश एच होची स्तोम हला जोठी तीनटा रूप मंत्र उपरे सामगान होची ताको स्तोम कहंती आवृत्ति करिकी तीनटा मंत्र रूप मंत्र को एभले भाबरे गान करा जाय जोठी की से संख्या जो स्तोम को जो संख्या द्वारा सूचित करा जाउची से तेछति की संख्या विशिष्ट स्तोत्र हब तापरे एठी से कहउछन कोन सामगान करा जाय ना रथंतरम रथंतरम बृहत कहीं केमते लिखाई ना गोटे दिन में ये समेत द्वादश दिन तुम देख साम संख्या बार होती है रथंतरम रथंतरम बृहत वैरूपं वैराजम शाक्वरं रैवतम रथंतरम बृहत रथंतरम बृहत रथंतरम रथंतरम इति क्रमेण होतु पृष्ठ सामानी एटा पृष्ठ साम बोली कहा जाए पृष्ठ माने पछरे पढ़ा जाए स्तोम पाठ कर सारे सब पढ़ी सारापर शेषे जो पढ़ा जाए जो साम को पृष्ठ साम कहती जिते साम अच्छी प्रकृत पे सब गुड़ाक पृष्ठ साम कारण गान कर सारापर सब शेषे से गान कर तार ना पृष्ठ साम कहुए सामान्य भाव में खाली साम बोली कहुए कि प्रकृत में पृष्ठ साम अत्र रथंतर बृहत वैरूप वैराज साक्वर रैवताख्यानां षण्णां शामनां पृष्ठ सामानीति व्यवहारः एई मानको आमे पृष्ठ साम बोली व्यवहार करिथांति द्वादशाहे अस्मिन् द्वितीयादि सप्तमान्तानि दिनानि पृथक् एक संघीकृत्य तस्य च संघस्य षडः इति संज्ञा कृता श्रुत्वा एव हला द्वादश द्वितीय दिन रु आरंभ करी सप्तम दिन केते दिन पर यज्ञ हबो 2, 3, 4, 5 6, 7 छदर यज्ञ तेणु छदर यज्ञ कहीं कराए तार कौन कारण अच्छे ना द्वितीय दिन आरंभ कर सप्तम दिन पर्यंत जग को छदिन है तेणु षडह बोली कहगला षड अह्नाम समाह षडह है छटा दिन समाह तेणु षडह संज्ञा इति कृता तत्र षडहे
ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱାଦଶାଃ କ୍ରତୌ ଲେଖିରଖ, ଦ୍ୱାଦଶାଃ କ୍ରତୌ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନାତ ଆରଭ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନାତ ଆରଭ୍ୟ ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତମ୍ सप्तम दिन पर्यन्तं संघीकृत्य, संघीकृत्य अंगारे दीर्घिका संघीकृत्य यत् अनुष्ठानं भवति तस्य नाम, यत् अनुष्ठानं भवति तस्य नाम। षडहः, षड हरे विसर्ग, षडहः तत्र षडहे पूर्वोक्तानि शामानि क्रमशः एकैकस्मिन् दिने एकैकतया पृष्ठस्तोत्रे गीयन्ते स्तोत्रसम्पादकतया। ये जो पृष्ठ शाम गुड़िक षडहरे दिनक गोटे गोटे कर दिने दिने एकैकतया गोटे दिन में गोटे ए प्रकार पाठ करा जाए। अतः एवाश षडहस्य पृष्ठः षडहः इति संज्ञा, तेणु पृष्ठ शाम जेहेतु गोटे गोटे करके गान कराऊँ तार नाम पृष्ठ षडह बोली कहुए। अत्र विषय पट्टिका रूपेण प्रदर्श्यते कौ दिन कौन पाठ कराऊँ से कथा को प्रथम दिन में अतिरात्र संस्था है द्वादशाः कृते एक पिला यदि मन रखिपार भल कथा द्वादशाः कृतौ प्रथम प्रथम दिन का संस्था बवती सेमती द्वादश लिखि रखि था क्वश्चिन् लिखि रखि था द्वादशाः कृतौ प्रथम दिने का संस्था भवति का संस्था भवति अतिरात्र संस्था सेमिति तळकु तळ क्वेश्चन लिखि जिवो मो द्वादशाः कृतौ बार बार डाकोनी तुम्हें ताको पूर्ण करिवो। द्वितीय दिने का संस्था, द्वितीय दिने अग्निष्टोम संस्था तृतीय दिने का संस्था, तृतीय दिने का संस्था, तृतीय दिने उक्त्य संस्था, तृतीय दिने उक्त्य संस्था चतुर्थ दिने का संस्था, चतुर्थ दिने भी उक्त्य संस्था, चतुर्थ दिने उक्त्य संस्था पंचम दिने का संस्था, पंचम दिने षोडशी संस्था, षोडशी संस्था गोटे शब्द तेणु सौरे हर्षिकार षोडशी संस्था षष्ठ दिने खाली ठारी दियो षष्ठ दिने उक्त्य षष्ठ दिने का संस्था, षष्ठ दिने उक्त्य संस्था सप्तम दिन भी उक्त्य संस्था अष्टम दिने भी उक्त्य संस्था नवम दिन भी उक्त्य संस्था दशम दिने अग्निष्टोम उक्त्य बा कोटा भी करा जाए पारे ये जहाँ आचरण करिवे दशम दिने अग्निष्टोम अतिरात्र सॉरी अग्निष्टोम अतिरात्र उक्त्य बा विकल्प विधान अच्छे पिलाए तेणु जी जहाँ आचरण करिवे अग्निष्टोम अतिरात्र उक्त्य बा एकादश दिने अग्निष्टोम संस्था, एकादश दिने अग्निष्टोम संस्था द्वादश दिने अतिरात्र संस्था, द्वादश दिने अतिरात्र संस्था हैला तापरक आस अत्र द्वादशाहे प्रथमस्थ अह्नः प्रायणीयमिति चरमस्य उदयनीयमिति च संज्ञा हैला तेणु द्वादशाः कृतौ प्रथमाह्नः द्वादशाः कृतौ प्रथमाह्नः ओब्लिक प्रथमदिनस्य, प्रथमाह्नः ओब्लिक प्रथमदिनस्य का संज्ञा, प्रथमाह्नः प्रथमदिनस्य का संज्ञा प्रायणीयं संज्ञा, प्रायणीयं
समिति द्वादशाः कृतौ अन्तिम अन्तिमाह्नः ओब्लिक अन्तिमदिवसस्य अन्तिमाह्नः ओब्लिक अन्तिमदिवसस्य का संज्ञा उदयनीयम् उदयनीयम् नारदीर्घैकार उदयनीयम् तापर देख आरंभ समाप्ति संबंध इति तदर्थः आरंभ एवं समाप्तिर संबंध अछि एक कथा देखेबा पई ए दुईटा जक ना कारण प्रथम आरंभ संस्थार नाम कोण अनुष्ठित हो अतिरात्र अंतिम रे द्वादश दिन रे भी अतिरात्र अनुष्ठित होउछि आरंभ रे शेष सहित संबंध अछि सेथि पई ए कथा देखेबा पई आरंभ अर कर्मर ना होउछि प्रायणीयम एवं अंतिम पर्वर नाम होउछि उदयनीयम दशम अहह अतिवाक्यम इति उच्यते लिखि रख द्वादशाः क्रतोः द्वादशाः क्रतोः दशमदिवसः द्वादशाः क्रतोः दशमदिवसः किं नाम्ना अभिधीयते केन नाम्ना केन नाम्ना अभिधीयते अभिवाक्यम केम न केन नामना अभिधीयते अभिवाक्यम उत्तर अभिवाक्यम इति नामना अभिधीयते तेना उत्तर अभिवाक्यम अनुष्ठान काले अत्र संभवन्तो दोषाः न वक्तव्याः इति तदर्थम् इति व्याख्यातारः अतः स्तोत्रानुसारेण शस्त्राणामपि बुद्धि विशेषादयो भवन्ति स्तोत्र भलिया शास्त्र मध्यम बुद्धि रसहित तथे प्रयोग करा जाए एवं पदार्थंतरेषु शान्ति अनुष्ठाने प्रकृति अपेक्षा बहुनि वैलक्षणानि एवं प्रकृति जाग अपेक्षा एथेरे बहुत विलक्षण मध्य देखा जाउछि न त न तानि अत्र उल्लेखितानि ग्रंथ गौरव भिया ग्रंथ गौरव भयरु एठारे से समस्त विशेष को एठारे लिखा जाउ नाही सामान्य रूप रे यज्ञ निरूपण करा जाइछि तापरे ग्रहा ग्रहाग्रता ग्रह कहिले तुम मन को कही सोमराश संस्थापन पात्र को ग्रह बोली कहा जाए जहाँ कि काष्ठ निर्मित तो कौन कह सत्रु काचित ग्रहाग्रता विहिता को ग्रहर व्यवहार आगे हम कहार पक्षर हे तत्संक्रांत टी पढ़ी दिय तस्या स्वरूप बिव्रीयते किंचित किसी तार स्वरूप एठार विवरण भाव में प्रस्तुत करुत्यादि दिवसेशु प्रातःशवनादीशु सुत्यादिन जो सोम अभिशवन दिन सोमरस पेषण दिन सोमरस संग्रह दिन जहाँ कह प्रातःसवनादीषु प्रातःसवन प्रभृतिरे द्वित्रिषु अपि सवनेषु ग्रहाः गृह्यन्ते हूयन्ते च द्वित्रिषु अपि सवनेषु द्वितीनटा जक सवनरे सॉरी त्रिषु अपि सवनेषु तीनटा जक सवनरे प्रातःसवन मध्यम दिन सवन एवं सायं सवनरे ग्रहमानंको ग्रहण कराजाए एवं ग्रह माध्यमरे हवन कराजाए आहुति दियाजाए हूयन्ते च हवन दिया जाए ततः प्रातःसवने बहुषु ग्रहेषु धारातः गृह्यमाणेषु जस्य ग्रहस्य प्रथमं ग्रहणं तां देवताङ्गुद्दिश्य पात्र सोमरसः प्रथमं गृह्यते हला तेणु प्रातःसवनरे बहुग्रह पात्रमानक बहु बहुग्रह पात्रेरु जो धारातः गृह्यमाणेषु धारा माने तुम्हार जो पात्ररे सोमरस संग्रह करा जाए ताको कौन कहंती ताको कहंती कौन कहंती सोमरसर जो पात्र विराट भांड ताको कहंती कौन कहंती तार गोटे ना अच्छी पिलाए तेणु सोम हवन स्थली ना कौन हला से सीधा सीधा गोटे विराट बड़ कौन हंडा भलिया होती सोमरस थी आईठार मानने सीधा अणा जाए तो से आउ एक पात्र आनी ग्रह मानक धारा धारा भाव निरंतर से सोमरस को चिपुड़ चिपुड़ा जाऊ था एवं तार धारा प्रवाह होता है कौटी कौटी ए प्रकार विधान अच्छे आम गोटे गोटे करके सोम यज्ञ विषय पढ़ी से जापर था तो ये ग्रह मानक से जो चिपुड़ा जाऊ निरंतर से भाण्डे सोमरसर भाण्डे एमती पात्र देखना सोमरस अणा जाए अणिके यज्ञ कराए जो इष्टि संपादन होणसी छोट होम संपादन हो तो सेठा धारातः माने सोमरसर धारा धारा माने सोमरस जो निष्पेषण रु संग्रह हो समय सोम पात्र मानक माध्यम सोमरस संग्रह करा जाए अच्छा तेणु तन्निष्ठा अग्रता प्राथम्यम जो पात्र रे आगे सोमरस संग्रह करा जीव से पात्रटा प्रथम प्राथम्यता को दिया जाए कहा को दिया जाए देखिबा यथा इंद्रवायु उद्भिद्य
सॉरी इंद्रवायु उद्दिश्य इंद्र एवं वायु को उद्देश्य करी प्रथमं पात्रे सोमरस ग्रहणे सह इंद्रवायवो ग्रह प्रथमं गृहीतः। इंद्रवायु संबंधी ग्रह व पात्र होची प्रथम हला। इंद्रवायु को उद्देश्य प्रथम सोमरस ग्रहण करा जाए ते ग्रहाणाम इंद्रवायव ग्रहाग्रत्वम। हाँ लेखी रखा प्रश्न ग्रहेशु ग्रह माने पिला माने एठी पात्र हला। ज्योतिर्विज्ञान पिला मानकर एक शब्दटा तांकर बार बार आसी थाए किंतु सेठी जहाँ ग्रह से तो अलग कथा। एठी जो ग्रह बोली शब्द उच्चारण है ग्रहर अर्थ हो सोम पात्र सोम रस संग्रहर पात्र विशेष हला। सब देवता मानक भिन्न भिन्न पात्र एक गोटे सामान पात्र सब देवता उद्देश्य सोमरस संस्थापन करा जाए ना तेणु ग्रहर बहुविधता विविधता अच्छी सोमजाग मानक तेणु एठी लेखि रख सोमजागेशु कस्य ग्रहस्य प्राथम्यम कस्य ग्रहस्य प्राथम्यम वर्तते कस्य ग्रहस्य प्राथम्यम वर्तते इंद्रवायव ग्रहस्य उत्तर होचि इंद्रवायव ग्रहस्य एवं शुक्राग्रता अग्रायण अग्रता इत्यादि च बोध्यम शुक्राग्र शुक्र ग्रह अच्छी अग्रायण ग्रह अच्छी ये सब अच्छी तापरे परे तत्र ब्यूढ़ द्वादश है गोटे हूँ केवल द्वादश आ गोटे ब्यूढ़ द्वादश ब्यूढ़ मानने अत्यंत रूढ़ प्रयोग रे अच्छी जोटा से ब्यूढ़ कह जाइए अहशु अग्रता पट्टिकायां प्रदर्शिता क्यों दिन कौ ग्रह अह हूँ अग्रगता मानने कौ दिन कौन कर्म अच्छे तो ये मानने पट्टिका कहले टेबुल टेबुल दि जाइए तो तत्र समूढ़ कश्चि द्वादश अस्ति समूढ़ा पुणी आ गोटे द्वादश अच्छी तत्र प्रथम दशम द्वादशेषु अहसु ग्रहाण इंद्रवायव अग्रता प्रथम दिन में दशम दिन में द्वादश दिन में ये इंद्रवायव ग्रहर प्राथम्य अच्छी आगे प्रणयन कराए द्वितीयादि अहसु पूर्वोक्त हविर्जितेषु क्रमेण ग्रहाण इंद्रवायव अग्रता शुक्राग्रता अग्रायण अग्रता एतासाम एव च पुनर्वार द्वयं आवृत्ति तीनटा कहीदे आउ थे तीन थर आउ थे पारे जो क्रम कहले से क्रम पुणी थे कहे हेले द्विथर आवृत्ति है से कथार अर्थात द्वादशाह द्वितीय दिने प्रादशवने ग्रह ग्रहण काले आदौ एव इंद्रवायव ग्रह गृहीत्वा ततः अन्य ग्रहाः ग्रहीतव्यः तवे अधिकांश जागरे इंद्रवायव ग्रहर प्राधान्यता व प्राथमिकता रहिछि व प्रथम स्थान ही एही ग्रहर प्राण द्वारा सोमरस ग्रहण सर्वप्रथमे करा जाइथाय। तृतीय दिने शुक्रग्रहं प्रथमं गृहीत्वा ततो अन्य ग्रहाः तृतीय दिन रे द्वितीय दिन रे या तृतीय दिन रे या एमती प्रतिदिन ग्रहर कौटा कौ दिन कहार अग्रगण्यता अच्छी कौ देवता उद्देश्य ग्रहर ताहा निर्धारित होमेव त्रेणीका इति जाज्ञिकैर्व्यवह्रियते त्रेणीका माने से कौन तृतीय दिने शुक्रग्रहं प्रथम गृहीत्वा ततो अन्य ग्रहाः माने प्रथम दिन द्वितीय दिन तृतीय दिन रे जो ग्रह ग्रहण होउछि ताको मिसेकिना त्रेणीका बोली कह जाउछि से यम त्रेणीका द्वादशादिषु उपरी तेन तनेषु अपि कृतुषु प्रवर्तते द्वादशाह प्रवृत्ति जो उपरे वर्णना है ग्रह से सब एक कहुची अग्रता तो ज्योतिषमे काम्यतया तत्फल उद्देश्य अनुष्ठे अनिश्चिततया विधीयते आउ अग्रता ज्योतिषम जगार समस्त सोम जग मानक सर्व मान सब सबुठारु श्रेष्ठ जाग होउछि बा स्वयं परिपूर्ण सोम जाग होउछि ज्योतिषोम जाग। अच्छा एठी एटा एतिकि सरला एथरे समिति विशेष किछि नाही। तापरे गवामयन देख गवामयनटा पिला माने इम्पोर्टेंट अत्र गवामयनाख्यम संवत्सर सत्रं निरूप्यते गवामयनम किदृशः जागः गवामयनम किदृशः जागः संवत्सर सत्रं हला वर्षे पर्यंत होता गोटे सत्र जाग एटा द्वाद बार दिन रु अधिक है मैंने तुम तक सत्र ही कह बाध्य है जेब कि यहाँ कह जाऊन कौटा तुम द्वादश क्रतुटे नुहे कि क्रतुः अयम एकोत्तर कौन हो देख ए क्रतुः अयम एकोत्तर षष्ठ्यधिक शतत्रय दिन साध्य तीन सौ पैंसठ दिन हम बिलाए हेला से का ए प्रकार संवत्सर जाग बोली संवत्सर सत्र बोली कह जाइए गवामयन केत दिन पर्यंत हुए ना तीन सौ एकसठ दिन पर्यंत हुए क्रतुवयम इति दिन साध्य
गवामयनः कति दिनात्मकः? गवामयनजागः कति दिनात्मकः? 361 दिनात्मकः। एकषष्ठी उत्तर त्रिशत दिनात्मकः। स त्रिधा विभक्तः, पूर्वपक्षः विशुबान् उत्तरपक्षः इति। एटा तीन भागरे विभक्त, पूर्वपक्ष गोटे, विशुब पक्ष एवं उत्तरपक्ष। से पुणी विभाजन अच्छी, तत्र अशीति अधिक एकशत दिन साध्यं पूर्वपक्ष, 365 दिन, 360 दिन आगे धर, 361 दिन बोली से कहते ना, तेणु से कहते 180 दिन तार अधा, सेटा होची पूर्वपक्ष। अर्थात तावत संख्यक सुत्या, आ जी पूर्वपक्ष है से दिन सुत्या दिन, प्रतिदिन सोमरस निष्पेषण कर सोमरस संग्रह कर जाग कर, तदनंतरम एक अह जस्य विशुभ नाम नईति है, मझी दिनटा हूँ विशुभ दिन, गोटे दिन जोटा है पाने देख तुम्हें से आम जो विशुभ संक्रांति होची, आम से दिनटा आमको मझी दिन बोली कहचे ना, वर्षर ठीक मझी समय बोली आम जमी भावचे, एटी सेमती प्रकार गोटे गवामयन जगार जगार आम वर्ष पर्यंत करूबार वर्षर विभाजन एमको देखा मिले। तो ततः अशीति उत्तर एकशत दिन, दिन साध्यम उत्तर दिन, ता मैंने 180 हूँ पूर्वपक्ष, प्रथम मझी दिनटा हूँ विशुभ दिन, एवं नेक्स्ट 180 हूँ उत्तरपक्ष। तो अयम उत्तरपक्ष तावत संख्यक सुतिया समुदित गवामयनमी संख्या, आ सब जाक मिसले ताने 361 दिन जाकर कर्म हूँ गवामयन कर्म। अत अर्थवादे क्रतु अयम गोभी अनुष्ठित इति प्रशंसार्थमुक्तत्वात्, एटा अर्थवादरे प्रशंसारे कहा जाउछे जे ई यज्ञटा को गाय माने अनुष्ठित करिथांती प्रशंसारे, तो अर्थवादरे कहा जाइछि गवामयनमिति नाम अस्य संपन्नम, तेणु एहाकु माने एठी गाय माने कोन हेइ परे सूर्यंकर किरण हेइथिबो, सूर्यंकर किरण को मध्य गो कहा जाय पिला माने, तबे देखिबा एठी कोन होउछि। तो तत्र एव अहह क्लुप्ति, क्लुप्ति माने संयुक्ति, जोटा को तुम कहते क्लस्चर बोली कहो, सेटा को आम संस्कृत क्लुप्ति बोली कहे। तो प्रथम दिन प्रायणीय संज्ञक अतिरात्र संस्थाक, गोटे दिन रहब देख पे दिन मिसई चल ए, द्वितीय दिन एक विंश स्तोमक उक्त संस्थाक, एटा गोटे दिन, ततः अभिप्लवाक्ष षडः चतुर्वारंग आवृत्ति, अभिप्लवाह षडः, षडः कहले छः दिन, एवं तार चारिथर आवृत्ति हे, ताने छः चौ चबिश ठीक। ततः पृष्ठ षडः सकृत, पृष्ठ षडः मध्य गोटे दिन हे, आउ पृष्ठ षडः छः अयम एक मास प्रथम मास माने सेटा 30 दिन पर्यंत हुए, पृष्ठ षडःटा थरे हे सेटा छ पृष्ठ षडः 30 दिनात्मक, तेणु छ पृष्ठ षडः छ थर, तेणु सेठी 30 हेला, एवं एव चत्वार अभिप्लवाह षडः, अभिप्लव षडः मध्य षडः कहा जाउछि, तेणु षडः माने 6 दिन, अभिप्लव तार चारिथर, चत्वार कहा गला, तेणु 6 4 24 हेला, मिसु था 1 1 24 30 24, तापर पुणी एक पृष्ठ षडः, ता एक गोटे पृष्ठ षडः, छ द्वितीय मास माने द्वितीय मास पुणी 30 दिन, पुणी गोटे पृष्ठ षडः हबो, एवं तृतीय मास पुणी 30, चतुर्थ मास पुणी 30, पंचम मास पुणी 30, एवं त्रयः अभिप्लवाः षडः, एवं अभिप्लव षडः 18 दिन, ए पुणी गोटे पृष्ठ षडः पुणी 6। ततः अभिजित संज्ञक एकमह गोटे दिन, अभिजित संज्ञक गोटे दिन, स्वर मास संज्ञकानि त्रीणि अहानि ला, स्वर मास संज्ञकानि तीनटा दिन, स्वर एवं मास कहिकिना तीनटा दिन, एवं सेटा तीन हेला, तेणु पूर्वपक्ष 180 दिन होगला। ततः विषुवाक्य मध्यम एकमह गोटे दिन विषुवाक्य दिन हेला, तापर पुणी उत्तर षडः, उत्तर पुणी 180 दे हेब, अस्य च उत्तर अपेक्षया सर्वोत्तमत्वम् उक्तम श्रुतौ उत्तरपक्षं पूर्वपक्षस्य उक्तानामन्नः वैपरीत्येन अनुष्ठानम्। देख इम्पोर्टेंट होउछि पूर्वपक्षटा जो क्रम रहैछि, उत्तरपक्षटा ठीक तार उल्टा हेब, माने सेठी जा एठी जाटा शेष हेथिब जो कर्म, एठी सेटा आरंभ हेब से कर्म हला, ता माने सेटा असेंडिंग ऑर्डर रे होला बळे एटा डिसेंडिंग ऑर्डर रे हेब। तो ए कथा को से कहउछन्ति प्रथमतः त्रयः स्वर सामानः हला, तीनटा प्रथम रेट देख शेषटा स्वर संज्ञा कहानी लिखाई, तेणु एक्जाक्टली जब से जहाँ जहाँ अच्छे ओल्टई दब मानने पछ आड़ू नब, ताले भी से 100 हम एवं 180 दिन हम हला, बुझीगला। तेणु ये हूँ गवामयन, गाई की कौटी मारी पकाउं गवामयन में बुझीपरच, गवामयन हूँ बर्षर मानने गोटे दिन मार्स मस वर्ष पक्ष आम के हूँ तत्सबंधी यज्ञ अनुष्ठान
ହେଲା। ତ ଗବାମୟନ ନାମକରଣ ତାର ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ ନା କାହିଁକି ଗବାମୟନ ଗୋଭିହି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଅର୍ଥବାଦ, ଏକ ଗାଈମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଅର୍ଥବାଦ। ଗାଈ ଗୋଭିହି କହିଲେ ଏଠି ଗାଈ ପଶୁ ବିଶେଷଣ ହେଇକି, ଗୋଭିହି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ବିଶେଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଏକ ଷଷ୍ଠ୍ୟଧିକ ଶତତ୍ରୟ ଦିନ ସାଧ୍ୟମ ଗବାମୟନମ, ଶତତ୍ରୟ ଦିନ ସାଧ୍ୟମ ତିନିଟା ଅଧିକ ଦିନ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସମ୍ବତ୍ସର ସତ୍ରମ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତିନି ଦିନ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଏଇଟା 361 ଦିନ। ତଦନ୍ତର୍ଗତ ଷଡ଼ହ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ହର ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁବାର ଷଡ଼ହର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତଥା ହି ବେଦେ ସୋମଜାଗ ସମୂହ ବିଶେଷାହ ଷଡ଼ହ ତ୍ରିବୁଧାହ, ତେଣୁ ସୋମଜାଗର ଯେଉଁ ସମୂହ ବିଶେଷ ଭିତରେ ଷଡ଼ହ ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ହ ଏ ଗବାମୟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ରଖ, ଗବାମୟନସ୍ୟ ପୂର୍ବପକ୍ଷ କତି ଦିନାତ୍ମକ, ଗବାମୟନସ୍ୟ ପୂର୍ବପକ୍ଷ କତି ଦିନାତ୍ମକ, 80 ଉତ୍ତର 100 ଦିନାତ୍ମକ, 180 ଦିନାତ୍ମକ, ଗବାମୟନେ ବିଶୁଭାକ୍ଷ ଜାଗ କତି ଦିନାତ୍ମକ, ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ଗବାମୟନେ ଉତ୍ତରପକ୍ଷ କତି ଦିନାତ୍ମକ, 180 ଦିନାତ୍ମକ, ଗବାମୟନେ କତିବିଧ ଷଡ଼ହ ଅନୁଷ୍ଠିୟତେ, କତିବିଧ ଷଡ଼ହ ଦ୍ୱିବିଧ, ତାପରେ ଷଡ଼ହ ନିରୂପଣ ଅଛି, ତେଣୁ ଲେଖ ଷଡ଼ହ କତିବିଧ, ପ୍ରକୃତରେ ଷଡ଼ହ କେତେ ପ୍ରକାର, ଷଡ଼ହ କତିବିଧ, ଗବାମୟନରେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଷଡ଼ହ କେତେ ପ୍ରକାର ଏବେ କହିଛି, କୁହ ଷଡ଼ହ କେତେ ପ୍ରକାର, ତ୍ରିବିଧ ଷଡ଼ହ ନିରୂପଣ, ପୃଷ୍ଠ ଷଡ଼ହ, ଅଭିପ୍ଳବ ଷଡ଼ହ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଂଜ୍ଞ ଷଡ଼ହ, ତିନି ପ୍ରକାର ହେଲା, ପୃଷ୍ଠ ଷଡ଼ହ, ଅଭିପ୍ଳବ ଷଡ଼ହ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଷଡ଼ହ ବୋଲି। ତତ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଅନ୍ତର୍ଗତତ୍ୱେନ ପୃଷ୍ଠ ଷଡ଼ହ ନିରୂପିତ, ପୃଷ୍ଠ ଷଡ଼ହ ଦ୍ୱାଦଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତତ୍ର ଚ ରଥନ୍ତରାଦିନାଂ ଷଣ୍ଣାଂ ଶାମ୍ନାଂ କ୍ରମେଣ ଷଟ୍ସୁ ଦିନେଷୁ ହୋତୃପୃଷ୍ଠାଙ୍ଗତୟା ଗାନମ, ତେଣୁ ହୋତା ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ 6 ପ୍ରକାରର ସାମଗାନ କରାଯାଏ, ତାକୁ